एक गांव में एक पेंटर रहता था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। एक बार उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और बड़ी मेहनत से बनाई। एक महीने तक वो उसे बनाता रहा। फिर गांव के चौराहे पे उसे रख के आया पेंटिंग को, और उसने गांव वालों से बोला कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमियां लगे तो इसमें क्रॉस का निशान बना देना। वो अगले दिन वहां जाके देखता है कि उस पेंटिंग में सिर्फ क्रॉस के ही निशान है। बहुत मायूस हुआ, उसे लगा कि मेरी पेंटिंग में क्या कमी थी जो इसमें इतने क्रॉस के निशान है। उसने अपने दोस्त को बोला, उसे दिखाई। उसके दोस्त ने उसे बोला कि ये पेंटिंग तूने अपने गुरु से सीखी थी ना, तो इस पेंटिंग को लेके अपने गुरु के पास चल, वो ही बता सकते हैं कि इसमें क्या कमियां है। अपने गुरु के पास लेके गया। उसके गुरु ने बोला, ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई भी कमी नहीं है, ये तो वाव वाली पेंटिंग है। तो उसने फिर पूरी कहानी बताएगी, लेकिन गांव वाले ने तो इसे क्रॉस कर दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, इतनी मेहनत से एक दूसरी पेंटिंग बनाओ, बहु ऐसी ही बनाओ। उसने दूसरी पेंटिंग बनाई, एक महीने पूरी मेहनत करी उसने, और फिर उसका गुरु उस पेंटिंग को लेके उसी चौराहे पे गया। उसके गुरु ने बोला कि ये पेंटिंग है, इसे जिस किसी को भी इसमें कमियां नजर आए, या पेंट रखे हैं, ब्रश रखे हैं, वो उस कमी को दूर कर दे। वो अगले दिन गया, उसमें किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, पेंट और ब्रश ऐसे ही रखे हुए थे। उसने कहा, चलो ठीक है, आज नहीं निकाली, कल संडे है, हो सकता है सब लोग घर पे रहेंगे और कल निकाल देंगे। उसने अगले दिन फिर वो पेंटिंग वहीं रख दी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं निकाला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा गुरु होता है वो ही हमें सही राय दे सकता है ना। अगर वो गुरु के पास नहीं जाता तो वो नेगेटिव ही सोचता रहता, क्योंकि इतने सारे लोगों ने नेगेटिव में क्रॉस कर दिया था। वो सोचता रहता इसमें क्या कमियां है, जबरदस्ती कमियां निकालता रहता, उसका माइंड भी वैसा ही हो जाता।